हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा आई होप ऑफ यू यू इज इज डूइंग ग्रेट सो दिस थर्ड लेक्चर एज कैन सी इट फ्रॉम द टाइटल ओनली ओके अभी तक हम दो लेक्चर्स कवर अप कर चुके हैं एंड वी हैव बेसिकली सीन इंट्रोडक्शन एंड वी आर कवरिंग अप्रोचेज अप्रोचेज के ऊपर हम काम कर रहे हैं लेक्चर टू के अंदर हमने कॉन्ट्राडिक्शनल अप्रोचेज जो है वो कवर कर लिए थे उसके अंदर हमने तीन अप्रोचेज देखे थे मेनली नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट अप्रोच दैट इज योर ऑर्डरलीनेस परस्पेक्टिव ओके वी हैव सीन दैट देर आर टू परस्पेक्टिव कॉन्ट्राडिक्शनल एंड ऑपरे योर ऑर्डरलीनेस सो ये तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर वन के अंदर मैंने आपको पहले भी बोला है कि लेक्चर्स को सिक्वेंस में आप देखेंगे वन टू थ्री बीच में से देखने का कुछ खास फायदा होगा नहीं ठीक है अगर किसी को ये है कि हाँ यार मैं लिंक इस्टेब्लिश कर लूंगा तो वो अच्छी बात है ठीक है लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप अभी इस वीडियो को पॉज कर दें बैक जाए प्लेलिस्ट के अंदर सारी ले, जो लेक्चर्स हैं वो डले हुए हैं लेक्चर वन लेक्चर टू लेक्चर थ्री इस तरीके से सीक्वेंस में देखेंगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो स्ट्रक्चरल अप्रोच टू हम इसके अंदर कवर करेंगे बेसिकली मैंने आपको ऑर्डरलीनेस समझा दिया था बेसिकली ऑर्डरलीनेस के के अंदर हम माइक्रो लेवल ऊपर बात कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर किस तरीके से चलता है ठीक है इंप्लॉयर और इम्प्लॉय का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली तो इसके अंदर छह मेन अप्रोचेज आती हैं जिसको हम समझेंगे एक एक करके और ये जो लेक्चर है ये हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच के ऊपर फोकस करेगा एक एक अप्रोच को एक एक वीडियो में कवर अप करेंगे uh, उसका रीजन ये है ताकि एक सिंगल वीडियो आपको अगर कभी भी रिवाइज करना हो तो रिवीजन के लिए आपको सीधा वो टाइटल दिख जाएगा तो आपको वो बार बार इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस कारण की वजह से अलग अलग अप्रोच के ऊपर अलग अलग वीडियो बना दिया और क्वेश्चन इसके अंदर से अच्छे खासे बन जाते हैं तो स्ट्रक्चरल अप्रोच को सबसे पहले समझ लेते हैं ये जो अप्रोच है इसके जो करता धरता है सबसे पहले तो इनका नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए जे हेनरी रिचर्डसन ये इस अप्रोच के करता धरता है मेन अप्रोच uh, जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है आई की वो इन्होंने ही दी है डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर एक तो ये पूछ लेते हैं वो अप्रोच के ऊपर क्योंकि ये सब ये, जो है आ, आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जान है ये अप्रोचेस एंड डेफिनेटली इनके जो फाउंडर्स हैं या जिन्होंने भी ये थ्योरी इंट्रोड्यूस की है या जिन्होंने भी ये अप्रोच दी है तो डेफिनेटली वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आपको याद रहना चाहिए कि स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है ये जे हेनरी रिचर्डसन की है और इन्होंने बेसिकली जो इंडस्ट्रियल uh, है ना इसको इन्होंने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया चार पार्ट इन्होंने क्या बोले कि सबसे पहले तो आ गया पर्सनल रिलेशन पर्सनल रिलेशन बेसिकली जो इंप्लॉई और इम्प्लॉयर का रिलेशन हो गया कलेक्टिव रिलेशन के अंदर ट्रेड यूनियन आ जाएगी फंक्शन ऑफ द स्टेट के अंदर फिर कैसे स्टेट की इंपॉर्टेंस बढ़ी इंडस्ट्रियल uh, रिलेशंस के अंदर और फिर फाइनली इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स कैसे इंट्रोड्यूस हुए तो एक एक करके इनको समझते हैं एक लिंक स्टेब्लिश होता जाएगा हमारे सामने कि कैसे पर्सनल से कलेक्टिव कलेक्टिव से स्टेट और स्टेट से इंटरनेशनल की तरफ हम बढ़े इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर ठीक है अब सबसे पहले तो देखो क्या हुआ कि इंप्लॉयर और एक इंप्लॉयी के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है ठीक है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में कि ये सब काम इंप्लॉय कहता है कि हाँ मैं ये सब काम करूंगा ये मेरी ड्यूटीज होंगी ये मेरे राइट्स होंगे ठीक है वो सब उसके अंदर लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ठीक है जी और ये कॉन्ट्रैक्ट ही वर्किंग कंडीशंस को भी डिटरमाइन करता है कि, कि किस वर्किंग कंडीशंस के अंदर इंप्लॉय जो है वो काम करेगा अल्टीमेटली उसके राइट्स एंड ड्यूटीज उसके अंदर लिखे होते हैं तो एक तरीके से तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये होता है क्योंकि दो पार्टीज इन्वॉल्व है इसके अंदर एक इंप्लॉय और एक एम्प्लॉय दो पार्टीज ठीक है लेकिन अगर आप इसको सही मायने से अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेशन को ट्रैक करें तो ये देखने में तो था बाई की कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं इम्प्लॉयर और इम्प्लॉय बट एक तरीके से ये यूनिलेटरल था यूनिलेटरल क्यों था क्योंकि इंप्लॉयर एक तरीके से अनलिमिटेड पावर्स जो हैं वो एंजॉय कर रहा था ठीक है क्योंकि उसके पास इंप्लॉय को नौकरी चाहिए थी उसके पास और कोई चारा नहीं था और दूसरी

था वो दिखने में लेकिन असलियत में वो यूनिलेटरल हो रहा था क्योंकि जो सारी की सारी पावर्स थी वो किसके पास थी इंप्लॉयर के पास थी, थी। ठीक है जी और इसी वजह से ट्रेड यूनियंस का राइज हुआ मार्क्सियन इन्फ्लुएंस uh, के अंदर जो अभी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मार्क्सियन अप्रोच तो ट्रेड यूनियंस का राइज हुआ एंड ट्रेड यूनियंस का राइज किस लिए हुआ ताकि इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअल में बाइपटाइट बनाया जा सके ठीक है और ट्रेड यूनियंस के राइज होने से कलेक्टिव रिलेशन का सिस्टम आ गया ठीक है कलेक्टिव बार्गेनिंग का सिस्टम आ गया तो ये सेकंड पार्ट बन गया के स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट इवॉल्व जो है वो हुआ और अल्टीमेटली ये जो ट्रेड यूनियंस फॉर्म हुए इन्होंने जो इंप्लॉयर्स अभी तक अनलिमिटेड पावर इंजॉय कर रहे थे यूनिलिटरल प्ररोगेटिव एंजॉय कर रहे थे उसको चैलेंज कर दिया कलेक्टिव बार्गेनिंग का सिस्टम जो है वो शुरू हो गया रूल मेकिंग प्रोसेस के लिए इंप्लॉयमेंट रिलेशन को गवर्न करने के लिए इंप्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में हर चीज के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग को यूज किया जाने लगा बट धीरे धीरे इसके अंदर भी प्रॉब्लम दिखने लगी इसके अंदर भी कन्फ्लिक्ट आने लगे कलेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर भी क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिकली क्या कहता है कि टेबल पर दोनों बैठेंगे दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे कुछ इंप्लॉयर अपना जिद छोड़ेगा कुछ इंप्लॉय अपनी जिद छोड़ेगा एंड अल्टीमेटली दे विल कम टू अ डिसीजन बट धीरे धीरे इसके अंदर

वो लेसेस फेयर पॉलिसी जो है अडॉप्ट कर रही थी पहले दो स्टेप्स के अंदर लेकिन अब जब डायरेक्ट एक्शन आने लगा दोनों इंप्लॉयज और इंप्लॉयर्स की तरफ से देखो पहले में तो क्या था इंप्लॉय बिल्कुल दबा हुआ था तो डायरेक्ट एक्शन इंप्लॉय की तरफ से तो हो ही नहीं रहा था इंप्लॉयर उसको दबा देता था दूसरे में क्या हुआ ट्रेड यूनियन खड़ी हो गई इंप्लॉय भी थोड़ा स्ट्रांग हो गया अब दोनों डायरेक्ट एक्शन में आने लगे तो उससे सरकार को क्या दिखा कि यार ये तो इंडस्ट्रियल पीस खराब होने की वजह से देश का नुकसान हो रहा है इकोनॉमी का लॉस हो रहा है ठीक है सबके सब स्टेक सब होल्डर्स को और उस एक स्टेक होल्डर में सरकार खुद भी है ठीक है अगर कंपनियां नहीं चलेंगी सरकार को टैक्स कहां से मिलेगा है ना तो सरकार ने कहा स्टेट ने कहा कि अब हमें बीच में आना पड़ेगा और इसीलिए सरकार बीच में आई और लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन कानून बनाने सरकार ने शुरू कर दिए और इस तरीके से ट्राइपेटाइट रिलेशन बन गया ठीक है पहले जो था सबसे पहले वो एक तरह से यूनिलिटरल था फिर सेकंड स्टेप में ट्रेड यूनियन आए तो बाइपेटाइट हो गया अब थर्ड स्टेप स्टेप में ये क्या हो गया ट्राइपटाइट हो गया और राइट right, अब इसके बेसिकली uh, ये जो स्ट्रक्चर बना ये इसीलिए बना ताकि जो इम्प्लॉयर और के जो राइट है ना उसको बैलेंस किया जा सके एंड अल्टीमेटली धीरे धीरे कम्युनिटी और कंज्यूमर्स की भी पार्टिसिपेशन होने लगी इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर कंज्यूमर की भाई क्वालिटी ऑफ गुड्स है या नहीं है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है या नहीं है उसके बाद uh, जो कम्युनिटी uh, है क्योंकि कम्युनिटी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं तो वो सब भी कहीं कही ना कहीं इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर इन्वॉल्व होने लगे तो एक तरीके से जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बन गया इनके इन्वॉल्वमेंट से एंड फाइनली इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स आ जाते हैं इंटरनेशनल भी रिचर्डसन ने पहले ही देख लिए थे कि भैया ये तो आएगा ही आएगा ठीक है जी अब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो अब आ, हर कंपनी मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई हैं वो एक तरह की पॉलिटिकल सेटअप के अंदर नहीं काम कर रही हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल सेटअप के अंदर काम कर रहे है, अलग -अलग हैं अलग अलग कल्चरल परस्पेक्टिव हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर तो डेफिनेटली ये जो एक डिफरेंट पॉलिटिकल अलाइनमेंट डिफरेंट कल्चर है ना उससे भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ क्योंकि हर कंट्री के अंदर अलग तरह का यूनियनिज्म होगा कलेक्टिव बार्गेनिंग का मेथड अलग होगा लेबर लेबर मार्केट अलग अलग होगी रिफॉर्म्स होंगे तो उसका भी डायरेक्ट इंपैक्ट जो है स्ट्रक्चर के ऊपर यहां पर हमें पढ़ते हुए दिखता है तो ये चार एस्पेक्ट्स बेसिकली आ जाते हैं सबसे पहले में इंप्लॉयर इंप्लॉय जहां पर इंप्लॉयर स्ट्रॉंग था दूसरे में ट्रेड यूनियन इमर्ज हो गई तीसरे में स्टेट आ गई और चौथे में इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स आ गए तो ये जो चार पार्ट्स हैं ये आपके स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर आ जाते हैं जो रिचर्डसन ने दिया है क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं एक तो वो डायरेक्टली ये पूछ सकता है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच किसने दिया है दूसरा वो ये पूछ सकता है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच के बेसिकली पार्ट्स के बारे में वो पूछ सकता है ठीक है ऑप्शन ए बी सी डी देकर के वो सारे क्वेश्चन ना एमसीक्यू कोर्स के अंदर कवर्ड है एमसीक्यू कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है ठीक है अगर आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस का लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं गैप और इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कॉम्बो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं ठीक है तो डेफिनेटली वो आपको काफी ज्यादा एग्जाम के अंदर आपके हेल्प करेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका यू कैन गो एंड एक्सप्लोर इट चलिए तो स्ट्रक्चरल अप्रोच अब हमारी हो गई है अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिस्टम्स अप्रोच को करेंगे किसी को कोई भी डाउट होता है ना वो सीधा सीधा आप कमेंट कर सकते हो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैट ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ये एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वो दोनों के काम आएगा मेरे लिए एनकरेजमेंट का, का काम करेगा आपके लिए नोटिफिकेशन का काम करेगा चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय एंड जाने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी पी फाइल्स चाहिए तो पी फाइल्स इसकी आपको मिल जाएंगी उसके लिए आपको सिर्फ नाइन्टी नाइन रुपीज पे करने हैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और आपको सारे लेक्चर्स की जो भी आई के लेक्चर्स होंगे या जो भी गैप के लेक्चर्स जो डले हुए हैं पहले भी उन सब के पी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाय